कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, हां सावधानी बेहद आवश्यक है। साबुन से 30 सेकंड तक अपने हाथ धोएं, सैनिटाइजर का भी आप उपयोग कर सकते हैं, आप मास्क लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक है जरूरी आप अपने हाथों को साबुन से 30 सेकंड तक धोएं, बार बार धोएं। ऐसे लोग जो कोरोना के संदिग्ध हो सकते हैं उनके संपर्क में ना आए, जिन्हें सर्दी और खांसी समेत कोरोना के और लक्षण जिनमें हो उनसे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। ऐसे किसी भी संदिग्ध मरीज की सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन और अस्पताल को दें, सहयोग करें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें, सच्चाई से रहें रूबरू। न्यूज टुडे दरभंगा आपसे ऐसी अपील करता है। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था, ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज दरभंगा, द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक ऑन एवरी टेबल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर KS कॉलेज दरभंगा, फॉर 11th, 12th, JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा, एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2020-21, वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा, सेलिब्रेटिंग रिकॉर्ड सक्सेस इन JEE मेंस 2020, नंबर 1 इंस्टीट्यूट, बेस्ट रिजल्ट्स, बिग फैकल्टी टीम, इंफ्रा एंड मैनेजमेंट। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड दरभंगा, एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में प्योर विज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ टावर चौक दरभंगा। मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल, इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी। कोरोना वायरस का बिहार में अभी तक कोई केस नहीं, सावधानी एवं सतर्कता बरतने की जरूरत, दरभंगा में भी बंद रहेंगे सभी भीड़ भाड़ वाले संस्थान। दरभंगा में मिला कोरोना का संदिग्ध, अस्पताल में भर्ती, जांच के लिए भेजा गया ब्लड सैंपल। 30 अप्रैल तक सभी कार्यालयों में बनेगी मैनुअल हाजिरी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर एहतियातन रोक। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 31 मार्च तक सभी परीक्षाएं स्थगित, सभी कार्यक्रमों को रोका गया, हॉस्टल भी होगा खाली। संस्कृत विश्वविद्यालय भी 31 मार्च तक बंद, सभी परीक्षाएं स्थगित, हॉस्टल होंगे खाली, नहीं होगी कोई सामूहिक गतिविधि। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने स्थगित किया कल 15 मार्च को होने वाला बेबी शो। 11 वर्षीय बच्ची के बलात्कारियों को फांसी की मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन। DM की छापेमारी में धराया एक दलाल, भेजा गया जेल, लिपिक के विरुद्ध भी कार्रवाई का निर्देश। सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा आवश्यक, सामुदायिक शौचालयों का स्थान उपयोगकर्ताओं के निकट हो, बोले सचिव। और समाचार अब विस्तार के साथ। मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल, इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी। मास्क सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल, इसकी कालाबाजारी को रोकने हेतु दवा प्रतिष्ठानों में पड़ा छापा। वर्तमान में चहुओर कोरोना वायरस की अनुगूंज के बीच जिलाधिकारी के निर्देश पर आज सभी अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न दवा प्रतिष्ठानों में छापामारी की गई। इस क्रम में सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता द्वारा थाना प्रभारी लहेरियासराय एवं थाना प्रभारी बेंता तथा औषधि निरीक्षकों के सहयोग से हॉस्पिटल रोड अवस्थित दवा दुकानों में धावा बोला गया, जिसमें KDIA साइंटिफिक एवं सर्जिकल, माँ भवानी सर्जिकल एवं मेडिकल, माँ श्यामा सर्जिकल एवं ड्रग एजेंसी आदि के नाम शामिल हैं। सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपनी टीम के साथ इन दुकानों में दवा के स्टॉक की जांच की गई। उन्होंने बताया कि KDIA साइंटिफिक एवं सर्जिकल के स्टॉक में सैनिटाइजर एवं क्लिनिकल मास्क पर्याप्त मात्रा में पाया गया, लेकिन मास्क नंबर 95 उपलब्ध नहीं था, जबकि माँ भवानी सर्जिकल एवं माँ श्यामा सर्जिकल के स्टॉक में सैनिटाइजर एवं मास्क नहीं पाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दवा दुकानदारों को सामग्रियों की उपलब्धता
स्वच्छता सुनिश्चित करने को कहा गया। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सैनिटाइजर एवं मास्क की मांग बढ़ी हुई है, लेकिन निहित स्वार्थवश कतिपय दवा स्टॉकिस्टों द्वारा माल की कमी बताकर इसे काला बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। जिला प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर यह कार्रवाई की गई है। डीएम ने बताया है कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। कालाबाजारी करते पकड़े जाने पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। डीएम द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस के व्यापक प्रकोप के मद्देनजर सैनिटाइजर एवं मास्क को एसेंशियल कमोडिटी में शामिल कर लिया गया है। इन पदार्थों की कालाबाजारी करने पर उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना वायरस का बिहार में अभी तक कोई केस नहीं, सावधानी एवं सतर्कता बरतने की जरूरत। दरभंगा में बंद रहेंगे सभी भीड़भाड़ वाले संस्थान। कोरोना वायरस का बिहार में अभी तक कोई केस नहीं, सावधानी एवं सतर्कता बरतने की है जरूरत। एहतियात के तौर पर भीड़भाड़ वाले सभी संस्थान बंद रहेंगे, दरभंगा में बोले जिलाधिकारी। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने एवं उससे बचाव हेतु जरूरी एहतियात बरतने के संबंध में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में आज एक बैठक आयोजित की गई। सरकार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा दरभंगा जिला के सभी विद्यालय, निजी और सरकारी, आवासीय विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान, छात्रावास आदि को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जिला अंतर्गत अवस्थित सभी सिनेमा हॉल तथा संग्रहालय भी तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक बंद रखने को कहा गया है। वहीं निजी तौर पर संचालित शॉपिंग मॉल, क्लब आदि को बंद किए जाने के संदर्भ में बाद में निर्णय लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिला के सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों, कोचिंग संस्थानों को बंद रखने के आदेश को सख्ती से अनुपालित कराने का निर्देश दिया है। इसमें विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय आदि सभी शिक्षण संस्थान शामिल हैं, लेकिन CBSE, ICSE बोर्ड द्वारा संचालित सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार चलती रहेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हाथों को बार बार साबुन से साफ करना है। सैनिटाइजर का भी उपयोग किया जा सकता है। सामान्य तौर पर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क का उपयोग किया जाता है तो उसकी साफ सफाई भी जरूरी होगी। एक ही मास्क को बराबर पहनने पर भी संक्रमण का खतरा रहेगा। बैठक में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को कोरोना वायरस के प्रति स्वयं जागरूक रहने को कहा है। कहा कि सभी पुलिस पदाधिकारी एवं जवान सिविल प्रशासन के साथ चौकीदारों एवं अन्य परिवेक्षीय कर्मियों के माध्यम से व्यापक जागरूकता फैलाएं। उन्होंने कहा कि यह मामला सबों से संबंधित है, इसलिए आम लोगों को साफ सफाई अपनाने के प्रति जागरूक किया जाए। अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जाए एवं ऐसा पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सावधानी बरतना जरूरी है, लेकिन अफरा तफरी की स्थिति बिल्कुल ही उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार समूह ग एवं अवर्गीकृत समूह के कर्मियों को दो समूहों में बांटकर उन्हें एक दिन बीच कर कार्यालय आने का निर्देश संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा दिया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी लगातार ड्यूटी करेंगे, जिसके लिए उन्हें समुचित रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट दो तीन बातें हैं कर लें कि एक एक पंचायत में कम से कम 10 जगह पर क्या करना क्या नहीं। किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। वर्स्ट केस में यही हो सकता है ना, पॉजिटिव पॉइंट्स है कि ऐसा है। और एंटी में अगर आप लोगों तक पहुंच गया है तो उसकी 1% चौकीदार को भी दे दें, तो समझ लें कि इसके क्या सिम्टम है। हर नॉर्मल जो किसी को छींक या खांसी है, गला खराब है, उससे लोग पैनिक नहीं हो, तो उसके प्रॉपर सिम्टम जो है लोगों को बता दें चौकीदार के माध्यम से, और चौकीदारों को निर्देश दे दें कि गांव में ऐसा कोई भी संदिग्ध मामला है तो आपसे डिस्कस कर लें, आपको बता दें, और आप फिर अपने CO अंचल अधिकारी से बात कर दें। अगर उसका भी ऐसा बैकग्राउंड लगता है कि बाहर से आया है या उसके परिवार में किसी व्यक्ति को ऐसा हुआ हो, तो थोड़ा सा एक अपना कॉमन सेंस लगाते हुए आगे सूचना पास कर दें। तो धार्मिक जुलूस या अन्य प्रकार के जो प्राइवेट गैदरिंग पर क्या करना है, ये शॉपिंग मॉल सबको क्या करना, तो इस पर हम लोग फिर कन्वे करेंगे। पर तत्काल लोगों को एडवाइस जारी किया जाए, सभी मुखिया लोगों को बुला करके आप वीडियो लोग तुरंत इसको कन्वे कर दीजिए, ये सब निर्देशों करके एडवाइसरी लोगों से अनुरोध की जाए कि ये सबको आप अभी पोस्टपोन कीजिए।
दरभंगा में मिला कोरोना का संदिग्ध, अस्पताल में भर्ती, जांच के लिए भेजा गया ब्लड सैंपल। दरभंगा में मिला कोरोना का संदिग्ध, जांच के लिए भेजा गया ब्लड सैंपल। जी हां, ये बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां कोरोना का संदिग्ध मिला है, जांच के लिए उसके ब्लड सैंपल को लैब में भेजा गया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर लोग डरे हुए हैं। दरभंगा जिले में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मिलने से इलाके में फैल गई है सनसनी। इससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। मामला बहादुरपुर प्रखंड में उघड़ा महापारा पंचायत के दाइन गांव का है। संदिग्ध की पहचान सूरज नारायण महासेठ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सूरज नारायण महासेठ पिछले 18 दिनों से तीर्थ यात्रा पर गए थे। वहां से लौटने के बाद सर्दी खांसी की वजह से वे असहज महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उनके परिजनों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस भेजकर सूरज नारायण महासेठ को डीएमसीएच के आईडीएच वार्ड में भर्ती कराया। हालांकि अभी उनके कोरोना वायरस से ग्रसित होने की पुष्टि नहीं हुई है। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है कोरोना से, बस आपको है सतर्क रहने की जरूरत, आपको है अपने पूरे परिवार के साथ सावधानी बरतने की जरूरत। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद ने बताया है कि मरीज तीर्थ यात्रा पर गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्हें सर्दी खांसी के लक्षण उनमें आए। मरीज को अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही संदिग्ध का ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए पटना भेजा जा रहा है। पुनः आपको बताएं, यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहाँ कोरोना का संदिग्ध मिला है, जांच के लिए ब्लड सैंपल भेजा गया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर लोग डरे हुए हैं, और दरभंगा में कोरोना का संदिग्ध मरीज मिलने से लोगों की चिंता बढ़ गई है, इलाके में फैल गई है सनसनी। जैसे ही इस पर कोई नया अपडेट आएगा, हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज़ टुडे दरभंगा आपसे पुनः अपील करता है कि अफवाहों में न पड़ें, आप अफवाहों पर ध्यान न दें। सबसे जरूरी है आपकी अपनी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा। सावधान रहें, सतर्क रहें, कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की है जरूरत। थाना बहादुरपुर, क्या हुआ था आपको? तीर्थ गए थे, वही पानी बूटी एक जगह था, सर्दी खांसी जुकाम। किट यहाँ पर उपलब्ध है हमारे लिए, पीपी किट में उसमें सभी सारी चीज रहती है, जिसमें सू कवर है, मास्क है, गाउन है, चश्मा है, ये सब चीज़ इसमें अवेलेबल है। ये सब उन्हीं को पहनना है जो मरीज हैं, और जो उनके हेल्थ केयर के जो लोग हैं उनको पहनना है, और जो जांच करने आएंगे डॉक्टर उनको पहनना है, और बाकी लोगों को सिंपल मास्क ही पहनना है। तो ये हमारी सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिसमें कि आईवी फ्लूड है, एंटीबायोटिक है, और पैरासीटामॉल है। ये सब हमारे यहाँ दवाइयाँ सब उपलब्ध है यहाँ पर, और जो भी चीज़ की और भी ज़रूरत होगी, ग्लोब्स है, ये सब चीज़ यहाँ उपलब्ध है। और मरीज अभी रात में आया है संदिग्ध, उसका यही हिस्ट्री है कि वो बहादुरपुर ब्लॉक का है, वो एक तीर्थ करने गया था, तीर्थ करने के बाद आया है और सर्दी खांसी का शिकायत लेकर के आया है। उसे यहाँ पर रख लिया गया है, उसकी अभी सैंपल कलेक्शन की तैयारी चल रही है। सैंपल कलेक्शन हो जाने के बाद उसे RMRI में पटना में भेज दिया जाएगा। और आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर डॉक्टरों की पूरी टीम है जो तीनों पारियों में काम कर रही है, नर्सेस की टीम है जो तीनों पारियों में काम कर रही है, हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, फोर्थ ग्रेड स्टाफ हैं, वो सभी लोग अपने कार्य में लगे हैं, आपने देखा है। और इसे सिम्टोमेटिक यहाँ पर इलाज किया जाएगा अभी, और इसकी जब जाँच की पुष्टि होती है 2 दिनों में, तो इसको फिर यहाँ पर इलाज आगे भी बढ़ाया जाएगा, और ऐसे क्वारंटीन में इसे 14 दिन। 30 अप्रैल तक सभी कार्यालयों में बनेगी मैनुअल हाजिरी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर एहतियातन लगाई गई रोक। 30 अप्रैल तक बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था रहेगी स्थगित। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा दरभंगा जिला अंतर्गत सभी कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय कर्मी के जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा हेतु बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से दिनांक 30 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 1 मई 2020 को बायोमेट्रिक उपस्थिति के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।
मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 31 मार्च तक सभी परीक्षाएं स्थगित, सभी कार्यक्रमों को रोका गया, हॉस्टल भी होगा खाली। मिथिला विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस के फैलाव के मद्देनजर और सरकारी निर्देशों के आलोक में आपात बैठक कुलपति की अध्यक्षता में हुई। इस उच्च स्तरीय आपात बैठक में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के संकाय अध्यक्षों, स्नातकोत्तर विभागों के विभाग अध्यक्ष, स्वित्त पोषित संस्थानों के निदेशकों, अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों समेत विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2020 तक विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभाग, स्वित्त पोषित संस्थान, सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय बंद रहेंगे, परंतु शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी अपने संस्थानों में कार्य पर उपस्थित रहेंगे। अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। सभी संस्थानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अगले आदेश तक बंद रहेगी तथा पूर्व की भांति मैनुअल हाजिरी ही बनेगी। 31 मार्च तक सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं तथा नई परीक्षाओं का आयोजन अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि इस अवधि में विश्वविद्यालय में किसी तरह के सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन नहीं होंगे। स्नातक तृतीय खंड 2020 की परीक्षाएं 16 से 31 मार्च तक स्थगित कर दी गई हैं। साथ ही स्नातक द्वितीय खंड 2020 की परीक्षा जो 27 मार्च से प्रस्तावित है, उसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सभी छात्रावासों को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से खाली करा दिया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय भी 31 मार्च तक बंद, सभी परीक्षाएं स्थगित, हॉस्टल होंगे खाली, नहीं होगी कोई सामूहिक गतिविधि। संस्कृत विश्वविद्यालय में 31 मार्च तक स्थगित रहेंगी परीक्षाएं, सभी छात्रावास होंगे खाली, बचाव संबंधी सलाह पर गहराई से होगा अमल, सामूहिक गतिविधियों पर भी रहेगी रोक, बोले कुलपति। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने तथा इससे बचाव के बारे में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा उठाए जा रहे एहतियाती कदम के मद्देनजर तथा बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन द्वारा 13 मार्च को जारी सभी विश्वविद्यालयों को प्रेषित पत्र के आलोक में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा के निर्देशानुसार 31 मार्च तक विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभाग, स्वित्त पोषित संस्थान, सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी अपने संस्थानों में कार्य पर उपस्थित रहेंगे। वहीं अतिथि शिक्षकों की विभागों व कॉलेजों में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। सभी संस्थानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अगले आदेश तक बंद रहेंगे तथा पूर्व की भांति मैनुअल उपस्थिति ही बनेगी। 31 मार्च तक सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, जबकि नई परीक्षाओं का आयोजन अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा। यह भी निर्देशित किया गया कि इस अवधि में विश्वविद्यालय में किसी तरह के सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन नहीं होंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फिर लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड प्री फाउंडेशन फॉर क्लास 7 to 10th, ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। क्वालिटी स्टडी मटेरियल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, इम्पेकेबल एडमिनिस्ट्रेशन, हाई क्वालिटी एंड ट्रेन्ड फैकल्टीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशन एंड स्पेशल हेल्प डेस्क, पर्सनलाइज्ड कोचिंग एंड मोटिवेशनल सेमिनार्स, वेल इक्विप्ड रिच लाइब्रेरी, सेफ कैंपस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रीजनेबल फी। Come, see and decide. In the field of education, a name to trust upon, Heru English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility, all the vehicles are enabled with GPS, rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games.
Complete school campuses under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638-19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल, इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी। कोरोना वायरस का बिहार में अभी तक कोई केस नहीं, सावधानी एवं सतर्कता बरतने की जरूरत। दरभंगा में भी बंद रहेंगे सभी भीड़ भाड़ वाले संस्थान। दरभंगा में मिला कोरोना का संदिग्ध, अस्पताल में भर्ती, जाँच के लिए भेजा गया ब्लड सैंपल। 30 अप्रैल तक सभी कार्यालयों में बनेगी मैनुअल हाजिरी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर एहतियातन रोक। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 31 मार्च तक सभी परीक्षाएं स्थगित, सभी कार्यक्रमों को रोका गया, हॉस्टल भी होगा खाली। संस्कृत विश्वविद्यालय भी 31 मार्च तक बंद, सभी परीक्षाएं स्थगित, हॉस्टल होंगे खाली, नहीं होगी कोई सामूहिक गतिविधि। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने स्थगित किया कल 15 मार्च को होने वाला बेबी शो। 11 वर्षीय बच्ची के बलात्कारियों को फांसी की मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन। डीएम की छापेमारी में धराया एक दलाल, भेजा गया जेल, लिपिक के विरुद्ध भी कार्रवाई का निर्देश। और सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा आवश्यक, सामुदायिक शौचालयों का स्थान उपयोगकर्ताओं के निकट हो, बोले सचिव। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने स्थगित किया कल 15 मार्च को होने वाला बेबी शो। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन ने हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट बेबी शो किया स्थगित। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने रविवार 15 मार्च को होने वाले अपने हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट बेबी शो को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर अमिताभ सिन्हा ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर बिहार सरकार की एडवाइजरी को देखते हुए क्लब की बैठक में सदस्यों ने यह फैसला लिया। कार्यक्रम की अगली तारीख निश्चित होने पर दोबारा सूचना दी जाएगी। क्लब के सदस्य रोटेरियन रजत अग्रवाल ने बताया कि जो लोग भी अपने बच्चों का पंजीकरण करा चुके हैं वे अपनी अपनी पर्ची सुरक्षित रखेंगे, दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता उन्हें नहीं होगी। पंजीकृत बच्चों के अभिभावकों को फोन द्वारा भी अगली तारीख की सूचना दी जाएगी। 11 वर्षीय बच्ची के बलात्कारियों को फांसी की मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन। 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की मांग को लेकर हुआ जोरदार प्रदर्शन। महिलाओं ने एक स्वर से बुलंद की आवाज, सरकारी खर्चे पर बच्ची के इलाज की पुरजोर मांग। समंधी में गेल छले, ओय समंधी में से ओ लड़की के पकड़ के 2 तारीख के आ गाछी में लो जाके 3 गो निर्दोषी पी के फलाद भ के ओकरा साथ में दुष्कर्म व्यवहार कलके। ओ लड़की बेहोश रहे तो खोजी भले लड़की के, तो एक आदमी बतल के जो उन्हें गाछी दिशा गेल छल लड़की, ओकरा फांसी मांग करना चाहते हैं। हाँ, उसका फांसी होना चाहिए, से दूसरा लड़का के फिर ऐसा हाथ नहीं, दूसरा लड़की पर दूसरा लड़का का हाथ नहीं। उसका माँ बाप के डर होगा जब मेरा बेटा गलती किया तो हमको बेटा फांसी पर, बेटा का शासन करेगा। आ नहीं छोड़ दीजिएगा वो तीनों के, तो एकदम फिर हाल हो जाएगा, तो अपना बेटी के पुतहु के घर में बंद करके रखेंगे। डीएम की छापेमारी में धराया एक दलाल, भेजा गया जेल, लिपिक के विरुद्ध भी कार्रवाई का निर्देश। डीएम की छापेमारी में एक दलाल पकड़ाया, भेजा गया जेल, लिपिक के विरुद्ध भी कार्रवाई का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा और डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा समाहरणालय अवस्थित अभिलेखागार में छापामारी की गई। अभिलेखागार में एक बाहरी व्यक्ति अनधिकृत तौर पर बैठा मिला, उससे पूछताछ की गई, उसके मोबाइल की भी जाँच की गई। पूछताछ एवं उसके मोबाइल की जाँच में उसके दलाल के रूप में कार्य करने की पुष्टि हुई। उसका नाम मोहम्मद महताब बताया गया है। जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी पदाधिकारी अभिलेखागार सह भूमि सुधार उप समाहर्ता पुष्पेश कुमार को उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का
निर्देश दिया गया। उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने अभिलेखागार के बड़ा बाबू प्रवीण कुमार के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रवीण कुमार से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी। उन्हें तत्काल प्रभाव से अभिलेखागार से हटा दिया गया है। छापामारी के वक्त प्रशिक्षु समाहर्ता विनोद दुहन, प्रभारी पदाधिकारी सदर DCLR पुष्पेश कुमार आदि मौजूद थे। सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा आवश्यक, सामुदायिक शौचालयों का स्थान उपयोगकर्ताओं के निकट हो, बोले सचिव। सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा आवश्यक, सामुदायिक शौचालयों का स्थान उपयोगकर्ताओं के निकट होना चाहिए, बोले सचिव। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर द्वारा आज सदर अंचल के सीसो पंचायत में निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हर एक परिवार को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शौचालय से 100% आच्छादन नितांत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को शौचालयों से आच्छादन के लिए 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर व्यक्तिगत शौचालय है, दूसरे स्थान पर साझा शौचालय, इस शौचालय में एक से अधिक परिवार अपने निकट संबंधी के शौचालय का प्रयोग करते हैं, तीसरे स्थान पर सामुदायिक शौचालय है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के लिए स्थान का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व सचिव की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त के साथ बैठक की गई। और सामाजिक संगठन चरखा ने CAA, NRC और NPR के विरुद्ध दिया शांतिपूर्ण धरना। स्थानीय सामाजिक संगठन चरखा जनतंत्र का लोकमंच दरभंगा के तत्वावधान में कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार NCR, CAA और NPR के विरोध में कर्पूरी चौक पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरने का आयोजन किया गया। ये जब तक के समाचार, विदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल, इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी। कोरोना वायरस का बिहार में अभी तक कोई केस नहीं, सावधानी एवं सतर्कता बरतने की जरूरत। दरभंगा में भी बंद रहेंगे सभी भीड़ भाड़ वाले संस्थान। दरभंगा में मिला कोरोना का संदिग्ध, अस्पताल में भर्ती, जांच के लिए भेजा गया ब्लड सैंपल। 30 अप्रैल तक सभी कार्यालयों में बनेगी मैनुअल हाजिरी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर एहतियातन रोक। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 31 मार्च तक सभी परीक्षाएं स्थगित, सभी कार्यक्रमों को रोका गया, हॉस्टल भी होगा खाली। संस्कृत विश्वविद्यालय भी 31 मार्च तक बंद, सभी परीक्षाएं स्थगित, हॉस्टल होंगे खाली, नहीं होगी कोई सामूहिक गतिविधि। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने स्थगित किया कल 15 मार्च को होने वाला बेबी शो। 11 वर्षीय बच्ची के बलात्कारियों को फांसी की मांग के साथ जोरदार प्रदर्शन। डीएम की छापेमारी में धराया एक दलाल, भेजा गया जेल, लिपिक के विरुद्ध भी कार्रवाई का निर्देश। और सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा आवश्यक, सामुदायिक शौचालयों का स्थान उपयोगकर्ताओं के निकट हो, बोले सचिव। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आपसे पुनः यह अपील हम करते हैं न्यूज टुडे परिवार दरभंगा की ओर से कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। कोरोना वायरस से लड़ने की यह जरूरत, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस प्रशासन, अस्पताल, सरकार सब आपके साथ है। आप रहिए सतर्क और सावधान। नमस्कार, जय हिंद।